मनी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, आज का आपका भाषण काफ़ी चर्चा में है, टेलीविज़न चैनल्स पे डिबेट हो रही है, लगभग हर जगह हेडलाइन में है। आपने कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बराबर हैं और किसी तरीके से कम नहीं है। मेरा आपसे सवाल यह है कि बार बार आपको असर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि हम बराबर हैं? भारत का तो संविधान ही कहता है कि सब बराबर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि बात को, अपनी बात को और अच्छे से रखने के लिए हमको ये बताना ही पड़ता है कि हम सब बराबर हैं। हमें आप बाहर का बता के, बाहर का धर्म बता के, नया धर्म बता के और फला करके आप हमें जो कोशिश हो रही है डाइल्यूट करने की, वो हमको मंजूर नहीं है, तो ये बताना तो ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल आता है और डाटा भी थोड़ा इस ओर इशारा करता है कि भारत में जो पॉलिटिक्स है उसमें मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन, वो उनकी पॉपुलेशन के मुकाबले लगातार कम हो रहा है। आगे फिर इलेक्शन आ रहा है, क्या आप लोगों के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान है कि मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है खास करके पार्लियामेंट में आप बढ़ा सकें? जब डेमोक्रेसी है तो रिप्रेजेंटेशन का सवाल ज़रूर आएगा। अब रिप्रेजेंटेशन का जब सवाल आएगा तो मैं जो बात कहूँगा इससे बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन नंबरों के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसाफ, बराबरी और इक्वल अपॉर्चुनिटी, उसके हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए नंबर मुसलमानों के कम रहे, थोड़ी देर को आप ये माने मुसलमानों का नंबर भी बढ़ जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर कम रहे और नाइंसाफ़ी ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, अनजस्ट ना किया जा रहा हो और एक ख़ास सोच को मुल्क में लाने की कोशिश ना की जा रही हो, जुडिशरी अपना काम ठीक से कर रही हो, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ठीक से कर रहे हों, लेजिस्लेचर्स अपना काम ठीक से कर रहे हों, तो अगर वो कमी होगी भी तो कुछ खलेगी नहीं। एक सवाल ये भी उठता है, जहां हम रामलीला मैदान में खड़े हैं, यहां से कई बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठी है और बहुत से लोग ये मानते हैं कि भारत धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर भारत उस दिशा में जाता है मुसलमान अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए ये एक मुश्किल सवाल है और एक साथ सारे सवालों को एड्रेस करना मुश्किल है। हम ऐसा समझते हैं कि पहले उनको तय करना चाहिए, डिमांड करने वालों को, कि भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। अगर वो ये डिफाइन कर दें कि हिंदू राष्ट्र होगा तो ये होगा, ये होगा और ये होगा, तो हमें जवाब देना आसान हो जाएगा कि फिर हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। आज के दौर में जो भारत के मुसलमानों के हालात हैं, उनकी पहचान पर, उनके जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर, एजुकेशन पर, अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने मदरसों का बजट कम किया, तो हर तरीके से कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है देख करके कि मुसलमान साइडलाइन हो रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। क्या आपको भी कभी एहसास होता है? बहुत सारी शिकायतें हैं और ये अक्सर शिकायतें जायज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का भी रवैया ऐसा, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ जिसको, तो बहुत सारी शिकायतें हैं हमारी। इन शिकायतों के बावजूद होपलेसनेस नहीं, मेरी जमात में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे जैसे सोचने वाले लोगों को लॉट ऑफ कंप्लेंट्स होने के बावजूद मुल्क में, मुल्क के सिस्टम में, मुल्क के लोगों के साथ बहुत सारी होप भी। आपने मोहन भागवत जी के लिए कहा, आरएसएस के लिए कहा है कि आइए हमसे बात करिए, अगर वो आते हैं तो क्या बात करेंगे? स्टार्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो क्या बात करेंगे आप? हम अभी कुछ बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं अगर वो, जैसा कि एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और हम लोग पहले भी उस प्रोसेस को कन्फर्म कर चुके हैं कि हम उस प्रोसेस के साथ हैं। आज हम यहाँ, क्योंकि मुल्क भर के लोग जमा हुए थे, हमारे मेंबर्स, और हमारा ये एक जनरल सेशन हो रहा है, प्लेनरी सेशन हो रहा है, तो हमारे लिए ज़रूरी हुआ कि हम यहाँ, वो जो बात हम अब से 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले कह चुके हैं कि हम इस प्रोसेस के साथ हैं, जो प्रोसेस 5 लोगों ने स्टार्ट किया है और सरसंघ चालक से मिले हैं, तो उसको यहाँ से कन्फर्म किया गया है।
किया जाए, समझिए वही उसी की तरफ इशारा है सारा। आज के दौर की जो दुनिया है, ग्लोबलाइजेशन, हिंदुस्तान के जो वाक़यात हैं दुनिया में और जगह अपना असर रखते हैं और जगह के वाक़यात हिंदुस्तान में असर रखते हैं, तो उस ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहां वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है, भारत के मुसलमानों की आप क्या स्थिति देखते हैं, अगर उन्हें आप पाकिस्तान से कंपेयर करें, बांग्लादेश से कंपेयर करें या दूसरे इस्लामिक वर्ल्ड से कंपेयर करें? ऑफ कोर्स बेटर है। किस लिहाज से चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं इस ग्लोबल वर्ल्ड में, इस ग्लोबलाइजेशन में इंडिया लीडिंग रोल प्ले करें, और हमारा ये यकीन है कि अगर माइनॉरिटीज़ को या किसी भी सोसाइटी के किसी भी पार्ट को सप्रेस किया गया या उनके अंदर फीलिंग आई सप्रेशन की, तो मुल्क हमारा वो लीडरशिप वाला रोल प्ले नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी ये लड़ाई ज़्यादा है, यानी अपने देश मुल्क के लिए राष्ट्रहित में है ये लड़ाई। मैं एक पॉलिटिकल सवाल करना चाहता हूँ, आपने BJP का नाम लिया, आपने RSS का नाम लिया, जाहिर तौर पर इन तंजीमों का सियासी असर है, तो अगर इनसे आपकी बातचीत शुरू होती है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आगे मदनी साहब राजनीतिक तौर पर इनका समर्थन भी कर सकते हैं, क्योंकि बातचीत कहीं तो आगे बढ़ेगी? मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि मुसलमानों को, मदनी साहब की बात नहीं है, मुसलमानों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, कभी इस इरादे से खड़ा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को हर हाल में हराएं। तो मैं तो इस मत का आदमी। मदनी साहब, आपने कई मुद्दों पर बात की, आपकी नज़र में आज हिंदुस्तान में मुसलमान का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आप रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमानों, एजुकेशन क्या उस दिशा में पर्याप्त काम हो रहा है? बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, अभी हम लोगों ने मदरसों के लिए शुरू किया है NIOS के साथ, और 7,000 से ज़्यादा बच्चे कुछ 18 महीनों के अंदर इनरोल हो चुके हैं, कई हज़ार 10th का एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, और ये 50,000 तो हम अगले 2-3 सालों में पहुंचाने का इरादा किया हुए हैं। इसके अलावा हम एक रेजोल्यूशन लाने वाले हैं लड़कियों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने के, डिग्री लेवल के और हायर एजुकेशन के। बस मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, जो इस्लामिक पहचान वाली जगह हैं जैसे मथुरा मस्जिद हुई या इस तरीके की जो धार्मिक पहचान वाली चीज़ें हैं, इनको लेकर जो आजकल चल रहा है, ये मामले जा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है, इससे बचना चाहिए। मेरा ये शुक्रिया।